हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, जिसके लिए मैंने ली है 1 किलो लौकी, 4 बड़े चम्मच देसी घी के, 1 कटोरी चीनी, 4 से 5 चम्मच लिया है मैंने मिल्क पाउडर, ये है काजू, किशमिश और बादाम जिन्हें मैंने कट करके रख लिया। और इसका ये जो मेन इंग्रेडिएंट है ये है फूड कलर, ग्रीन फूड कलर, और आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा दूध। तो गाइज, हम सबसे पहले इसको लौकी को जो है पीछे से, और ये जो है इसका सिरा, उसको कट कर लेंगे और हम इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको करेंगे ग्रेड। देखिए गाइज, अब हम इसे करेंगे पील ऑफ। इसे मैंने पहले धो लिया था और अब हम इसको करेंगे पील ऑफ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ग्रेड कर लिया है। हमें सिर्फ इसका पल्प चाहिए, बीज वाला हिस्सा नहीं लेना है। इसको हमने निकाल के अलग रख देना है, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले इस कढ़ाई में डालेंगे घी। घी को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। देखिए ध्यान रखना ये जले ना। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हम किशमिश को बाद में फ्राई करेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। अब हम डालेंगे किशमिश, इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब हम इसी घी में डाल देंगे हमारी ब्रेड की लौकी। अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक हम इसको के अंदर फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से मिला मिला कर इसको फ्राई किया कीजिएगा। देखिए गाइस, ये फ्राई हो चुकी है बहुत अच्छी तरह से, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैंने आधा लीटर से ज़्यादा दूध लिया है और अब हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इस पे लगा देंगे ढक्कन ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। देखिए गाइस, देखिए ये अच्छी तरह से दूध इसके अंदर मिक्स हो रहा है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर। 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे ढककर छोड़ दिए, बीच बीच में आप इसे हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लग जाए। देखिए गाइस, ये दूध इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है थोड़ा सा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी चीनी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए गाइस, अच्छी तरह से चीनी इसके अंदर डिजॉल्व हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, इससे इसका टेस्ट
बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपके पास मलाई है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहें तो ना भी डालें। देखिए इसे आप बीच बीच में ज़रूर हिलाते रहिए, अभी इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है दूध, इसलिए हम इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। और जब तक ये दूध इस लौकी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, तब तक के समझे कि आपका ये हलवा रेडी नहीं हुआ है। और कोशिश करिए कि लो से मीडियम फ्लेम ही रखें, हाई ना रखें। तो चलिए एक बार इसे फिर ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। जी गाइस, इस पे हम डालेंगे फूड कलर 1 किप और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर, आप डालना चाहते तो डाल लीजिए, क्योंकि इससे आपकी लौकी का जो हलवा है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये दूध इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है और हमारा जो है वो लौकी का हलवा बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो आप बताइए कैसा लग रहा है, देखकर मुंह में पानी आ गया आया होगा जरूर, क्योंकि बनाते बनाते ही आ जाता है, ये लगता ही इतना स्वादिष्ट है। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बेहतरीन लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे करेंगे सर्व और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से बना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लच्छेदार, बिल्कुल लच्छेदार, जिस तरह हलवाई बनाते हैं ना वही स्टाइल में ये बना है। और आप इस तरह बना के देखिए और खा के देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, आप इसे बना के ज़रूर खाइए और मेरे वीडियो को, घर का खाना चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, बाय बाय।